नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। इमर्जिंग एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को मात देकर फाइनल में जगह बना ली, जहां आज यश ढोल की कप्तानी वाली भारतीय टीम का सामना फाइनल में पाकिस्तानी टीम के साथ कोलंबो में होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जाने वाले मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, जहां इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के अभ्यास की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुकताल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा की मुख्य धारा यहाँ लाई जाएगी और ताल विकास परिषद की गठन भी करने की घोषणा की। बिहार के जदयू नेता नीरज कुमार ने बेगूसराय मामले को मणिपुर मामले से जोड़ने पर कहा कि बेगूसराय की घटना को मणिपुर से जोड़ना गलत है। मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसा कर रहा